तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड में सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए। और यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स जो भी एलिजिबल रहेंगे उन्हें अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स इस कंपनी में काम करते हैं और इनका वर्किंग कल्चर भी बहुत अच्छा है। साथ में जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये कंपनी बहुत ही बड़ी है। अगर आप वर्किंग सेक्टर की बात करें तो ये बिल्डिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गए, पावर प्लांट के जो काम है वो सब होगा, इस सभी सेक्टर में काम करती है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे जॉब पाके एक अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए। तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा चीज इसमें बताऊंगा आपको। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है और अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, क्या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं, क्योंकि अनअकैडमी स्टार्ट करने जा रहा है टारगेट प्रीलिम्स 2021 का बैच, साथ में गेट वालों के लिए 2022 और 23 का बैच, और वो भी आज ही से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 11 जनवरी 2021। और आपको यहाँ पे कोई भी लाइव सेशन मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के टॉप एडुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जिनके एक्सपीरियंस 15 प्लस ईयर से ज्यादा है वो आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स, एग्जाम क्लियरेंस स्ट्रेटेजी, वो सारे चीज आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 800 प्लस आवर्स का लाइव सेशन आपको मिलने वाला है। साथ में आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स से लेके गेट एग्जाम से लेके जो भी आपका डाउट क्वेरी रहेगा वो सारा यहाँ पे आपका रिजॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज यहाँ पे यह है कि आप इस कोर्स को परचेज करने से पहले अपने टॉप एडुकेटर्स के डेमो क्लासेस को फ्री में देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कोर्स परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर रजिस्टर कर लीजिए और डेमो क्लासेस को, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो क्लास आज से ही स्टार्ट होने जा रही है, तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्टर करने का, और अगर आप मेरा कोड CIVIL यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके साथ ही जो गेट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उन लोग के लिए लाया है फिर से एक कॉम्बैट, जिसमें आप फ्री में एग्जाम देकर खुद की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और साथ ही एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से लिंक पे क्लिक करके आपको एनरोल कर लेना है, और आपको जो कोड यूज करना है वो CIVIL कोड यूज करना है। ये कोड अप्लाई कीजिएगा तो ही जाकर आप फ्री में एनरोल कर पाओगे खुद को, ठीक है। एलिजिबल ब्रांचेस की अगर बात करें तो मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है। अगर यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स की बात करें तो जो जिनका रैंक 1 आएगा उनको 3 मंथ्स का फ्री गेट एंड ESE प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, जिनका रैंक 2 और 3 रहेगा उनको 1 मंथ का मिलने वाला है, और जिनका रैंक 4 से लेकर 100 के बीच में रहेगा उनको 500 तक का अमेज़न वाउचर यहाँ पे मिलने वाला है। ये कॉम्बैट आपका होने वाला है 12 जनवरी 2021 शाम को 6 बजे, यानी कि कल शाम 6 बजे। तो पक्का इस टाइम पे बैठ जाना और एग्जाम को जरूर देना, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। खुद के प्रिपरेशन को चेक कर लो कि आप कितने पानी में हो, कूपन कोड CIVIL अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड लिखिएगा, सबसे पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। तो इस पे आपको क्लिक करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चला आना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा करियर्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस करियर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ह्यूमन कैपिटल, वर्क विथ अस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज खुल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड जॉब्स पे, ठीक है। फाइंड जॉब्स पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिखा रही है, तो फिलहाल यहाँ पे 3 जॉब्स अवेलेबल है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी पे यहाँ पे क्लिक क्यों ना करो, जैसे PNG हो गया या क्वालिटी JMC हो गया या देख लो MAP हो गया, ये तीनों मैंने खोला ना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे तीनों खोला आपको नीचे दिख जाएगा टोटल जॉब उनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 अवेलेबल फिलहाल है यहाँ पे, BBS इंजीनियर, सीनियर मैनेजर फॉर्मवर्क के लिए और मैनेजर इन IT के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो बताना है वो इंजीनियर BBS को लेके बताना है, बाकी भी दिखा दूं, इसको भी खोलोगे तो वही 3 आपको दिखा रहे हैं। मतलब इस डिपार्टमेंट में फिलहाल अभी कोई जॉब नहीं है, लेकिन जो जॉब अवेलेबल है वो नीचे यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है इंजीनियर BBS वाले में, तो चलिए देख लेते हैं। सीनियर मैनेजर अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में आ गया है, फिर भी मैं दिखा दूंगा। चलिए इंजीनियर BBS पे फिलहाल क्लिक करते हैं, नेक्स्ट टैब में मैं खोल लेता हूँ इसको, तो ये रहा खुल गया, ठीक है। तो BBS इंजीनियर इनको चाहिए, ये जो अपडेट हुई है 26 दिसंबर को, और आप लोकेशन की बात करो तो ये लोकेशन आपका जो पोस्टिंग होगा वो हैदराबाद में होने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि आपको क्या रोल वहां पे निभाना है साइट पे रह के। तो आपको जो भी काम दिया जाएगा आपको स्टिपुलेटेड टाइम में, मतलब उसी टाइमलाइंस में आपको वो काम कंप्लीट करके देनी होगी, साथ में सेफ्टी, क्वालिटी और HR के जो नॉर्म्स है वो सारे आपको मान के चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, तो आप BBS इंजीनियर हो तो पूरा BBS आपके मध्य रहेगा, पूरा रिपोर्टिंग आपके लिए रहेगा, ड्राइंग को स्टडी करना आपके ऊपर जाएगा, ड्राइंग को एज पर स्पेसिफिकेशन कैसे आगे काम करवाना है वो सारा आपके ऊपर रहेगा, एग्जीक्यूशन टाइम पे कैसे करवाना है,
वो आपके ऊपर रहेगा, साथ में रिसोर्स को मोबिलाइजेशन इधर से उधर करना, उसको करके आपको काम को कैसे आगे निकालना है वो सारा आपके मत्थे पे रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट है सिविल इंजीनियरिंग में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनका 4 साल का बीई बीटेक है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की मांग की गई है यहाँ पे मिनिमम 2 साल का, अगर आपका मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस अप्लाई नाउ पे, इस पे आपको जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो पहले तो बात आप अगर यहाँ पे साइन इन नहीं कर पाओगे, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको पहले क्या करना है, नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर येट, तो इस पे आपको क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। पहले आपको अकाउंट बना लेना होगा अपना, अकाउंट बनाने के लिए अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपना ईमेल एड्रेस को फिर से टाइप कीजिएगा, अपना पासवर्ड टाइप कीजिएगा और ये सारे आपको भरने हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका कंट्री फोन नंबर हो गया, ठीक है। ये सारा करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देनी है, आपके ईमेल में हो सकता है कोई एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, उस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना खुद को। वेरीफाई करने के बाद फिर आकर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के बाद अपने सीवी को अपडेट करके डाल दो यहाँ पे, अगर उनके रिक्वायरमेंट से आपकी सीवी मैच करती है तो वो आपको जरूर कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। मैंने क्या किया है, इन सारी चीजों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जैसे वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक जो है वो मैंने डाल दिया है, आपको कहां से अप्लाई करना है वो मैंने लिंक डाल दिया है, साथ में जो नोटिफिकेशन का जो पेज था वो भी सारा लिंक डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां से सारे लिंक को देख सकते हो और वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है और ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हो कि मैं रोज आप लोग के लिए लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स जो है वो एवरीडे मैं लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो नोटिफिकेशन को एनेबल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।